नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इस करारी हार के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा था कि टीम में हरफन मौला खिलाड़ियों की कमी खली है। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने स्वीकार किया कि वनडे टीम में संतुलन का अभाव है। बता दें, हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर तीनों फॉर्मेट में टीम के प्लेइंग 11 में काफी समय तक बने रहे। हालांकि कमर की समस्या के कारण उन्हें टीम से बाहर का भी रास्ता देखना पड़ा। एक समय ऐसा भी आ गया कि वो टीम में बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह अन्य खिलाड़ियों को मौका दिया गया। लेकिन अब वो एक बार फिर टीम में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं और गेंदबाजी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। इस बीच सवाल फिर उठ रहे हैं कि क्या वो बतौर ऑलराउंडर टीम में लौटेंगे। इन्हीं सब बातों का खुलासा करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा, ये मेरी योजना है, मैं एक ऑलराउंडर के रूप में खेलना चाहता हूँ। मेरी तैयारी एक ऑलराउंडर के रूप में खेलने के बारे में है। अगर कुछ खराब हो जाता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तैयारी, मेरी मेहनत, सब कुछ एक ऑलराउंडर के रूप में खेलने के बारे में है। कहा जा रहा है कि हार्दिक की वापसी आईपीएल 2022 से तय मानी जा रही है, क्योंकि उन्हें अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपना नया कप्तान चुना है। हालांकि उससे पहले भी हार्दिक भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं।